जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजेश सिंह, मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे हूँ और मैं बिहार से हूँ और यूपी में सेलेक्टेड सब इंस्पेक्टर हूँ। अभी के टाइम पे काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन, जैसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं बिहार सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनसे पता करने के बाद आप लोग के लिए सोचा हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि बिहार पुलिस की जो एसआई की वैकेंसी आने वाली है उसमें कैसे तैयारी करें, क्या है सिलेबस और कैसे कैसे कवर करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। और मेरा फोकस ये रहेगा कि देखिए, बिहार पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो चाहे एमपी पुलिस हो चाहे कहीं की भी, एसआई की पोस्ट और एसआई का काम एक ही होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो, उनका काम एक ही होता है, समझ रहे हैं आप। तो कोई भी स्टेट का आप पुलिस तैयारी कर लिए हो तो ऑलमोस्ट सबका तैयारी और लेवल सबका एक ही जैसा होता है, 19-20 का बस फर्क रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो मेरा ओरिजिन बिहार है, मैं होम डिस्ट्रिक्ट बिहार है, मैं यहाँ यूपी में सब इंस्पेक्टर पोस्ट में हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, तो इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो बिहार में होता है यूपी का अलग है, यूपी में एक एग्ज़ाम होता है उसका रनिंग होता है, मेडिकल होता है, ऐसे होता है। बिहार में पहले पीटी होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, मतलब क्वालिफाइड जो एग्ज़ाम बोलते हैं जिसको पास करना पड़ता है, उसके बाद आपका मेन्स एग्ज़ाम होता है, उसका रनिंग होता है, उसका मेडिकल होता है। तो आपको बताता हूँ कि देखिए, जो पीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको पास करने के लिए पहली बात कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो। लूसेंट की बुक आप जानते हो अच्छी होती है, क्योंकि आपका अगर बेसिक, समझ रहे हैं, बेस फंडामेंटल अगर आपका मजबूत नहीं रहेगा, फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं रहेगा, तो आप आगे चीज़ें कहाँ से कवर कर पाओगे। ए बी सी डी लिखना जानेगा तब तो आदमी नाम लिखना जानेगा, वही सेम चीज़ लूसेंट का काम होता है, आपका बेस मजबूत करता है। आप उसके लिए वो ले सकते हो, उसके बाद घटना चक्र की बुक आती है वो ले सकते हो। दूसरा चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पीटी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स। मैं जानता हूँ कि जब एग्ज़ाम का डेट आता है उससे 1 साल के पहले तक का कवर किया जाता है करंट अफेयर्स, लेकिन आपका वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, 2023 में आ जाएगी, तो उसको आप टारगेट रखते हुए 2023 का अगर अभी से आप करंट अफेयर पढ़ोगे, करंट अफेयर के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। फिर से मतलब आज के टाइम पे हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, हम जैसे लोग भी गाइड कर रहे हैं तो अब हर चीज़ अवेलेबल है। एजुकेशन से रिलेटेड सबसे बेसिक और फ्री वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसको फॉलो करके आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो। तीसरी चीज़, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, डेली मैगजीन आते हैं, वीकली मैगजीन आते हैं, आप उससे भी करंट अफेयर्स अपना तैयार कर सकते हो। तो आप करंट अफेयर्स बुक्स भी पढ़ सकते हो। तो मतलब आप, आपके पास बहुत सोर्स ऑफ चीज़ें हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हो। तो मेन फोकस पहले आप करंट अफेयर्स पर रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर रखिए, ताकि उससे आपका प्रीलिम्स में जो प्री एग्ज़ाम है पीटी का एग्ज़ाम क्लियर होने में आसानी हो। उसके बाद आप यह बात कि आपका हिस्ट्री बायो पॉलिटी ये सब की, ठीक है, इसके लिए आपको लूसेंट, पहले पहले इन सब चीज़ के लिए लूसेंट आप पढ़ लीजिए। उसके बाद एक लेवल ऊपर जाने के लिए आप घटना चक्र की बुक पढ़िए। इससे आप घटना चक्र की बुक पढ़ेंगे इतना हो जाएगा कि आप पीटी एग्जाम क्लियर कर लोगे। बात रही, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर रीजनिंग वीजनिंग के बारे में कुछ बताया नहीं। देखिए, आपको भी पता है कि रीजनिंग हो और मैथ्स हो, वो आपका मेन इंपॉर्टेंट है मेन्स एग्जाम में, मेन्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप पहले सिर्फ पीटी के एग्जाम की तैयारी करोगे फिर मेन्स का एग्जाम की तैयारी करोगे। मेरा कहने का मतलब है 80% आप फोकस पीटी एग्जाम पे रखो, 20% आप मेंस को कम्प्लीटली छोड़ के मत चलो, साथ ही साथ करो। लेकिन पहले अगर आप पीटी एग्जाम क्लियर हो जाता तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो आप मेंस पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। लेकिन एटलीस्ट सिलेबस कवर करते हुए चलो, कुछ कुछ पढ़ते हुए चलो, रीजनिंग का और मैथ्स का, क्योंकि उनका ज़्यादा पोर्शन आपको पीटी में नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा पोर्शन यही जो आपको इससे पहले बताया इस पे मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले पहला स्टेप चढ़ोगे तब तो आप दूसरे स्टेप के बारे में सोचोगे, लेकिन आपको ये भी तो दिमाग में रखना है कि मुझे दूसरा स्टेप चढ़ना ही है, अगर पहला स्टेप क्लियर हो गया तो फिर क्या करूँगा। तो इसलिए उसको पीछे पीछे लेके चलना है, छोड़ नहीं देना है कम्प्लीटली। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पहले पीटी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर उसका जब पीटी एग्ज़ाम क्लियर होता है फिर मेन्स क्लियर करते हैं। आपका जो मार्क्स होगा, क्वालिफिकेशन जब देखा जाएगा क्वालिफाई करने के लिए, वो आपका मेन्स एग्ज़ाम के थ्रू देखा जाएगा। ये तो आपको बस क्वालिफाइड करने के लिए है पीटी एग्ज़ाम। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, उसमें जो जो बताया हूँ उसको लेते हुए चलिए, और मेंस की भी पीछे पीछे तैयारी करते रहिए, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग हो गया।
उसके बाद आपका जब होगा तब आपकी रनिंग के बारे में वो सब वीडियो बताऊंगा। आप इस चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहे, और आप जो 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 भी चीज़ें चाहिए, तो मेरे जो बताया आपको कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, तो मेरे ओरिजिन बिहार है, तो मुझे पता करके जो मेरे दोस्त हैं जो कांस्टेबल हैं सब इंस्पेक्टर हैं उनसे पता करके मुझे बताना आसानी होगा आप लोग के लिए। ये एक चैनल एक माध्यम है ताकि आप लोग के पास सही और सटीक जानकारी पहुंचा सकूं। तो इसलिए आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें पूछनी हो, तो आप उस पर कमेंट करें। किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप उस पर कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए छोटी सी जानकारी थी, लगा के बताना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों।